हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम निफ्टी की अप्रैल सीरीज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे, जो हमें लगता है इस महीने में काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है। अगर आप हमारे निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग दी मार्च सीरीज भी हमने ऐसी ही स्ट्रेटेजी दी थी, जिसने हमारे ट्रेडर्स को 4000 से 6000 रुपए तक का मुनाफा कमा कर दिया। ऐसे ही हमने पूरे साल 25 स्ट्रेटेजीज ऑफर की है, जिसमें से 23 स्ट्रेटेजीज ने पॉजिटिव पे ऑफ दिया है और हमारी स्ट्राइक रेट 92% की है। हम आशा कर रहे हैं कि जो अप्रैल की स्ट्रेटेजी जो आज हम देंगे वो भी ट्रेडर्स को बिटवीन 5000 to 10000 रुपीज का मुनाफा कमा कर दे सकती है बाय एंड ऑफ दिस अप्रैल सीरीज। आज की जो स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस करूंगा वो अप्रैल की मंथली सीरीज की स्ट्रेटेजी है। सारे ही ऑप्शन जो हम बाय सेल करेंगे वो अप्रैल 29, 2021 की एक्सपायरी के है, जो कि मंथली सीरीज है। अब आते हैं कि हम क्या करेंगे। आज जो हम स्ट्रेटेजी रेकमेंड कर रहे हैं वो एक शॉर्ट गामा स्प्रेड है। इस स्ट्रेटेजी करने का हमारा यही इंटेंशन है कि अगर निफ्टी फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस अगर 1000 पॉइंट का इधर अपसाइड और डाउनसाइड का मूव देता है, तब तक इस स्ट्रेटेजी में हमें अच्छा मुनाफा होने की पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं हम क्या करेंगे। पहले तो हम कॉल ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे, जहां हम कॉल ऑप्शंस में रेशियो स्प्रेड करेंगे। कॉल ऑप्शंस हम 15,300 का एक लॉट बाय करेंगे और हम दो लॉट 15,500 के कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे। यह करने पर हमें 10 रुपीज का क्रेडिट होगा। अब आते हैं पुट ऑप्शंस की ओर। हम 14,000 स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट पुट ऑप्शन खरीदेंगे और हम दो लॉट 13,600 की स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शंस को सेल करेंगे। अभी हमारा जो इस स्ट्रेटेजी में टोटल ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा वो 13,200 रुपीस डाउनसाइड रहेगा और 15,700 रुपीस अपसाइड रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट निफ्टी 13,300 के ऊपर और 15,700 के बीच नीचे एक्सपायर होता है तो हमें इस स्ट्रेटेजी में अच्छा मुनाफा होगा। इस स्ट्रेटेजी में बंपर मुनाफा होगा अगर निफ्टी 13,600 पर एक्सपायर होता है और 15,500 पर एक्सपायर होता है। हम यह स्ट्रेटेजी मार्केट की मूवमेंट पर ले रहे हैं और हम मार्केट का व्यू नहीं ले रहे हैं कि निफ्टी या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। हम मार्केट की वोलेटिलिटी पर व्यू ले रहे हैं। हमारा यह व्यू है कि अगर यहां से निफ्टी में अराउंड 4 to 5% का इधर अपसाइड और डाउनसाइड मूव आएगा तो हमें करीबन 5,000 से 10,000 रुपीस का मुनाफा हो सकता है यह स्ट्रेटेजी करने पर। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कौन से स्ट्राइक प्राइस हम यूज कर रहे हैं। हम 15,300 कॉल ऑप्शंस को एक लॉट खरीद रहे हैं और दो लॉट हम 15,500 के कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। पुट की ओर अगर जाएं तो हम 14,000 की स्ट्राइक प्राइस के एक लॉट पुट ऑप्शंस को खरीद रहे हैं और 13,600 की स्ट्राइक प्राइस के दो लॉट पुट ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। ये जो पूरा बॉक्स हमने जो बिठाया है उसकी नेट क्रेडिट 10 रुपीस है। अगर मार्केट 15,000 और 14,000 के बीच में कहां पर भी एक्सपायर होगा तो मिनिमम 10 रुपीस मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज दैट इज 75 उतना मुनाफा होगा। और अगर मार्केट 15,300 और 15,700 के बीच में एक्सपायर होता है और 14,000 और 13,200 के बीच में एक्सपायर होता है तो हमें बंपर मुनाफा होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि मेरे हिसाब से काफी लाइकलीहुड चांस है। क्योंकि करंटली अगर आप निफ्टी की ओपन पोजीशंस देखें तो अप्रैल सीरीज में ओपन पोजीशंस काफी कम है, इसलिए मुझे लगता है कि पूरे थ्रू आउट द सीरीज वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होगी क्योंकि फ्रेश पोजिशनिंग बिल्टअप होगी। मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटेजी में जो कि रिस्क है, हमने 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा है और 200 पॉइंट्स का टारगेट प्राइस रखा है। मेरा अनुमान है कि इस स्ट्रेटेजी में मिनिमम 7,500 टू 10,000 रुपीस तक की मुनाफा होने की काफी पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि यह स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 100 पॉइंट्स के रिस्क पर 200 पॉइंट्स का रिवॉर्ड दिख रहा है, तो यह स्ट्रेटेजी करनी चाहिए लोगों को। इसलिए इस स्ट्रेटेजी पर हमने एक रिसर्च रिपोर्ट भी निकाली है और यह रिसर्च रिपोर्ट आप अगर IFL के कस्टमर है तो आपको ईमेल से यह रिसर्च रिपोर्ट आई रहेगी। हमारे वीडियोस को फॉलो करने के लिए धन्यवाद।